दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SD Sport 95 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम Vivo Pro कबड्डी सीजन 8 का मैच नंबर 117 दबंग दिल्ली वर्सेस यूपी योद्धा इस मैच का प्रीव्यू करने वाले हैं। दोस्तों इस मैच के प्रीव्यू में हम सबसे पहले दोनों टीमों की स्टार्टिंग सेवन देखेंगे, बाद में हम दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस देखेंगे, फिर हम दोनों टीमों को एनालाइज करेंगे और आखिर में हम दोनों टीमों की प्रेडिक्शन करेंगे। दोस्तों ये दोनों ही टीमें काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है, इसलिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले दोनों टीमों की स्टार्टिंग सेवन देख लेते हैं। पहले हम दबंग दिल्ली की स्टार्टिंग सेवन देख लेते हैं। दबंग दिल्ली की स्टार्टिंग सेवन में नवीन कुमार, विजय मलिक, जोगिंदर सिंह नरवाल, मंजीत चिल्लर, आशु मलिक, जीवा कुमार और संदीप नरवाल जैसे खिलाड़ी खेलते दिख सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन के तौर पर कृष्ण कुमार धूल और नीरज नरवाल टीम में आ सकते हैं। तो चलिए अब हम यूपी योद्धा की स्टार्टिंग सेवन देख लेते हैं। यूपी योद्धा के स्टार्टिंग सेवन में सुरेंद्र गिल, प्रदीप नरवाल, सुमित, गुरदीप, आशु सिंह, श्रीकांत यादव और नितेश कुमार ये खिलाड़ी खेलते दिख सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन के तौर पर गौरव कुमार और शुभम कुमार को टीम में लिया जा सकता है। तो हमने दोनों टीमों की स्टार्टिंग सेवन तो देख ली, तो अब हम दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस देखते हैं। हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो दोनों टीमें आपस में 6 मुकाबले खेल चुकी है, उसमें दबंग दिल्ली ने 2 मैच जीते और यूपी योद्धा ने 4 मैच जीते। तो आप देख ही सकते हैं हेड टू हेड मैचेस में यूपी योद्धा आगे है दबंग दिल्ली से। तो चलिए अब हम दोनों टीमों को एनालाइज करते हैं। तो अब हम दोनों टीमों का पॉइंट टेबल में कैसा प्रदर्शन रहा है वो देखते हैं। पॉइंट टेबल के प्रदर्शन की बात करें तो दबंग दिल्ली ने कुल 19 मुकाबले खेले, जिसमें 10 जीते, 5 हारे, 4 मुकाबले टाई किए और इस टीम के टोटल पॉइंट्स 63 है और ये फिलहाल तीसरे पोजीशन पर मौजूद है। और वहीं यूपी योद्धा की बात करें तो इस टीम ने 20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 8 जीते, 9 हारे, 3 मैच टाई किए और इस टीम के टोटल पॉइंट्स 58 है और ये फिलहाल 5वें पोजीशन पर मौजूद है। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो दोनों टीमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और प्लेऑफ्स की रेस में बनी हुई है। तो अब हम आखिर में दोनों टीमों की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों टीमों की स्टार्टिंग सेवन देखें तो दोनों टीमों की स्टार्टिंग सेवन काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रही है और हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो वहाँ पर यूपी योद्धा दबंग दिल्ली से आगे है और पॉइंट टेबल की बात करें तो दबंग दिल्ली यूपी योद्धा से आगे है। तो अब तक तो दोनों टीमें बराबर ही चल रही है, दोनों ही टीमों की रेटिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन इन दोनों टीमों में जो फर्क है वो सिर्फ डिफेंस में आया है। यूपी योद्धा का डिफेंस भी काफ़ी मजबूत लग रहा है, लेकिन दबंग दिल्ली का डिफेंस इतना कुछ खास नहीं कर पा रहा। तो हमारे अंदाज से यूपी योद्धा ये मैच 5 पॉइंट के अंतर से जीत सकता है। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीत सकती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।